केटल में कैसे बनाएगा आइए हम आपको सिखाते हैं। और अकेले रहने वालों के लिए ये रामबाण है, के लिए बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो केटल भी जाएगी और आपकी मैगी भी खराब हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब सबसे पहले हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसमें से मसाला इसमें डाला जाएगा और एक एक करके हम लोग चारों मसाला इसमें डाल देंगे। अब पानी खौलने लगा था इसलिए हमने इस केटल का पावर ऑफ कर दिया, अभी ऑफ कर दिया ना, अभी पावर को ऑफ कर दिया है, नहीं तो पानी खोल के बाहर आ जाएगा। इसको चम्मच से उस पानी को चला दिया है, अभी फिर से देखिए खोल रहा है। पहले पानी को एकदम बॉयल कर दिया गया है, अब एक एक करके मैगी को तोड़ के डाल दिया जाएगा। एक एक करके ऐसे ही डाल देंगे, फिर आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। देखिए हमने अभी इसमें चार मैगी के पैकेट डाल दिए हैं, लेकिन अभी ये जब अंदर जाएगा मेल्ट होगा तो कम हो जाएगा, वरना अभी तो हमारा केटल फुल हो चुका है। ये अभी हमने मैगी को अब डाल दिया है और ऐसे ऐसे आप चला लेंगे, जैसे नॉर्मल सिंपली जैसे मैगी बनती है वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमने पावर ऑफ कर दिया है, हमने हटा दिया है, दो मिनट इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है और देखिए पावर ऑन नहीं है। तो दो मिनट बाद फिर से हमने इसको ओपन किया, बट अभी लगता है थोड़ा सा इसको और पावर देके हीट करना पड़ेगा। बन गई है, बस एक बार और पावर ऑन कर दिया है और बस अगले 20 सेकंड में ये मैगी खाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप मैगी बना सकते हैं अपने केटल का यूज करके। अब देखिए मैगी एकदम रेडी हो चुकी है, तो चलिए हम चलते हैं खाने और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। तो देखो भैया यही तीन बर्तन है हम लोग के पास, तीन चार बोलो, दो चम्मच, दो एक प्लेट, एक कटोरी और ये एक केटल, इसी में हम लोग रह रहे हैं, बहुत गरीब आदमी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ दिन में पैसा हो जाएगा तो कुछ बर्तन वर्तन खरीद लेंगे। बाय बाय।